ये नागेश्वर नाथ का बरसों पुराना मंदिर है। इस मंदिर में एक नागिन के जोड़े ने 1000 साल तक घोर तपस्या की और तब नागेश्वर नाथ ने उन्हें प्रसन्न होकर वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप वो इच्छाधारी नाग नागिन बने और उन्हें मिली वो अमूल्य मणि, जिसे पाने के लिए न जाने कितने देशी विदेशी शैतानों ने षड्यंत्रों के जाल फैला रखे। अघोरी उठो। जय देवी माँ। तुम्हारी तपस्या का फल आज तुम्हें मिलने वाला है। कहाँ? जिस इच्छाधारी नाग नागिन की तुम्हें तलाश है वो आज इंसानी रूप में आने वाले हैं। कब और कैसे? इससे पहले कि उनके मिलने का समय समाप्त हो जाए अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। जाओ अघोरी, पुराने शिव मंदिर के पास जाओ। जय हो। जीना तेरे दिन साथ रात दिन का साथी छूटे ना। तू नाग मेरा नागिन, नहीं जीना तेरे दिन साथ रात दिन का साथी छूटे ना। तू है मेरे दिल रुबा, मैं हूँ तेरा दीवाना, मैंने तो ये बस जाना। मैं नाग तू नागिन, नहीं जीना तेरे दिन साथ रात दिन का साथी छूटे ना। मैंने तुझे रंग माना, मैंने तुझे सब माना, मेरी तो ये बस जाना। तू नाग मेरा दिन, नहीं जीना तेरे दिन साथ रात दिन का साथी छूटे ना। आज मैं फिर वक्त से हार गया। मेरे पहुंचने में देर हो गई, लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं। मैं एक दिन अपने मकसद को जरूर पाऊंगा, एक दिन मैं जरूर कामयाब होऊंगा। दोस्तों, मास्टर रिंगो के आने में अभी 15 सेकंड बाकी हैं। लेकिन हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? गुड इवनिंग जेंटलमैन, वेलकम फ्रेंड्स। इस बार हमें तुम्हारे वतन से न सोना चाहिए न चांदी, न गांजा न चरस न हेरोइन। तुम लोग सब सोचेगा शबाब है। नो जेंटलमैन, वो भी नहीं। लेकिन रिंगो साहब, अब बचा ही क्या है हमारे देश में आप लोगों को देने के लिए? आपके मुल्क में वो खजाना है जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं। डू यू नो, वो खजाना है ब्लैक कोबरे का जोड़ा, और वो जोड़ा हमको किसी भी कीमत पे मांगता। आपका मतलब ये है कि हम रिवॉल्वर की जगह बीन हाथ में लिए जंगलों में भटकते फिरे? इस काम के लिए आप किसी सफेरे को बुला लेते तो ज्यादा अच्छा होता। आप लोगों को हमारा बात फनी मजाक लगता है? डू यू नो, ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहमियत रखता है। डू यू नो, इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा 1000 साल के बाद किसी भी इंसानी शक्ल में बदलने को सकता है।
हमने ये बात या तो किताबों में पढ़ी है या बुजुर्गों से सुनी है, मगर आपको ये जोड़ा क्यों चाहिए? ओ मैन, हमको उसका मनी मांगता मनी, दैट बिग रेड स्टोन। उस मनी में इतना ताकत कि मौत पर भी काबू कर सकती है, और एक बार हमने मौत को हमारा मुट्ठी में बंद कर लिया, फिर इंसानों की जिंदगी और मौत हमारी मर्जी की गुलाम बन जाएगी, गुलाम, और हम सारी दुनिया के लिए गॉड बन जाएगा, गॉड। लेकिन रिंगो साहब, हम इस नाग नागिन के जोड़े को ढूंढेंगे कैसे, और अगर ढूंढ भी लिया तो पकड़ेंगे कैसे? वाह, ये सोचना तुम्हारा काम है। हम तुम सबको इस काम का 21 करोड़ डॉलर देगा। कितना? 21 करोड़ डॉलर। यस। अरे उसकी कोई पहचान तो होगी, या अंधेरे में तीर मारते फिरे? पहचान है, उस इच्छाधारी सांप के चेहरे पर बड़ा बड़ा मुस्ताज, यानी कि बड़ा बड़ा मूछ होता है। लेकिन ये जोड़ा जहाँ पर हजारों साल पुराना शिव टेम्पल, यानी कि शिव मंदिर होता है, उसी के आसपास मिलता है। लेकिन इस काम में काफी वक्त लग सकता है। ओके, हम वेट करेगा, लेकिन आप लोगों को हमारा ये ऑफर मंजूर है? आपके इस ऑफर से ये बात तो तय है कि आप मजाक नहीं कर रहे। काम मुश्किल है, इसमें हम लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है, फिर भी हमें आपका ये ऑफर मंजूर है। ओके, फिर ये हमारा तरफ से एडवांस रखो। फ्रेंड्स, एग्रीड? एग्रीड, एग्रीड। बड़ी गहरी चाल में डूबे हो। आओ राणा, आओ। अभी सोच ही रहा था कि ये बाजी किसके साथ खेलूं। किस्मत के साथ खेलो, बाजी मैं लेकर आया हूं। तुम्हारी बाजी में खतरे बहुत होते हैं राणा। मैं जानता हूं कि तुमने खतरों से खेलना बंद कर दिया है, लेकिन मैं जो बाजी लाया हूं उसे तुम अपनी जिंदगी की आखिरी बाजी समझकर खेल सकते हो। उसमें तुम्हें बहुत फायदा होगा। रिंगो को एक इच्छाधारी नाग नागिन की तलाश है, जिसके लिए वो करोड़ों डॉलर देने को तैयार है। राणा, रिंगो की ऑफर मान लेने का मतलब है कि मैं फिर से उसके जाल में उलझ जाऊं। इसमें उलझने की क्या बात है? बिल्कुल है, मैं अब गुनाह के किसी भी ऐसे रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी के सुकून को खोना नहीं चाहता। इसका मतलब यह है कि यह ऑफर तुम्हें मंजूर नहीं? मैं जिस हाल में हूं बहुत खुश हूं, और सच पूछो तो राणा, मेरी राय यह है कि अगर तुम भी इस दलदल से निकल सकते हो तो निकल जाओ। मुझे राय मत दो राय, तुम्हें मेरा ऑफर मंजूर नहीं है तो यह तुम्हारी मर्जी है, मगर मैं ये मौका आज से नहीं जाने दूंगा। हजारों साल पुराना शिव मंदिर यही है, हो ना हो नाग नागिन इसी के आसपास मिलेंगे। तुम लोग इस तरफ जाओ और तुम लोग वहां जाकर ढूंढो।
बचाओ बचाओ बचाओ। अबे चुप। राणा साहब आप ही है ना? राणा साहब मैं तो कहता हूँ ये नाग नागिन का चक्कर छोड़ो और भाग चलो यहाँ से वरना। अरे मेरे वीर जवान, एक मामूली सांप को देखा है तो तेरी हालत हो रही है, इच्छाधारी नाग नागिन को देखेगा तो तेरी तो फट जाएगी छाती। अच्छा अबे नहीं, ये देख देख ये कहा था कि बंदूक लेकर चल, बीन लेकर आ गया बेवकूफ। नागिन का जोड़ा दिखा कहीं? कुछ भी नजर नहीं आया यार। अरे रंजीत तुझे कुछ नजर आया? अरे कहां यार, ढूंढते ढूंढते दिमाग खराब हो गया। ऐसा करते हैं हम सब राणा के पास चलते हैं। ठीक है चलो चलो। राणा एक महीना हो गया ढूंढते हुए, ये नाग नागिन तो क्या उसकी मूछ का बाल तक नजर नहीं आया। मेरी मानो तो एडवांस वापस कर दो राणा, हम अपने धंधे में सुखी हैं। इतनी जल्दी है तुम लोग? मुझे डाका डालने में भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी ये नागनागिन ढूंढने में करनी पड़ रही है। $21 करोड़ भी इतनी आसानी से नहीं मिलते। तुम लोग हिम्मत हार सकते हो लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं हर कीमत पर इच्छाधारी नाग नागिन का पता चला कर ही रहूंगा। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर इतनी रात इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं आप? आपके लिए जंगल होगा, हमारे लिए तो स्वर्ग है। आप यहाँ रहती हैं? जी हाँ। अकेले? नहीं, मेरे पति मेरे साथ रहते हैं। कहाँ है वो? उन्हीं का तो इंतजार कर रही हूँ। क्या करते हैं आपके पति? जी वो मेरे पति मुझे पुकार रहे हैं। Oh, ha, 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 ha.
तुम सचमुच कितनी खूबसूरत हो। पहली बार देख रहे हो क्या? पहली बार नहीं, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती का चांद हमेशा नया नजर आता है। झूठे कहीं के। काश पूनम की रात कभी खत्म ना हो। क्या हुआ? मुझे इंसान की सुगंध आ रही है। मैं उसी इंसान से मिलकर आ रही हूँ। ये इंसान जानवर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इससे पहले कि वो यहाँ आए, हमें अपना रूप बदल के यहाँ से निकल जाना चाहिए। नागिन, तो ये है तेरी असलियत। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पालो, क्या है? मैं जिस इच्छाधारी नाग नागिन की तलाश थी, उसे मैंने ढूंढ निकाला है और अपनी आंखों से उस नाग नागिन के जोड़े को देखकर आ रहा हूं। वाह, पी हम रहे हैं और नशा तुम्हें चढ़ रहा है। नशे में बोल रहे हो क्या? लगता है राणा को दिन में भी ख्वाब देखने का शौक हो गया है। राणा सपने में भी हकीकत देखता है विक्रम। लेकिन हम तुम्हारी बात को बिलीव कैसे करेगा? राणा खुद पहले हकीकत को तोलता है, फिर दूसरों से बोलता है। मैंने अपनी आंखों से उस इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े को औरत और मर्द के रूप में बदलते हुए देखा है। वाह, क्या बात है! इसका मतलब तो हम बहुत जल्दी करोड़पति हो जाएंगे। मुझे तो अभी से दौलत का सुरूर आने लगा है। लेकिन राणा, हम उसको हमारी आंखों से देखना मांगता। ठीक है, तो कल तुम लोग अपनी आंखों से उस इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े को देख लेना। चंपालाल और अजीत को मैं खबर कर दूंगा। चीयर्स। चीयर्स। What is this? You people have wasted my time. तुमने हमारा टाइम बर्बाद किया। Where is that pair of cobra? Cobra? अबे खोपरा नहीं, कोबरा। कोबरा, डोंट वरी रिंगो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अरे भाई, तुम्हारे चक्कर में तो हमारा तक दिना दिन हो जाएगा। लुक मैन, हम फ्री में काम नहीं करवाता है। मिस्टर रिंगो, आप हमाखा गर्मी खाते हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं। यार, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये बात है। तो अब चंपालाल चमड़े वाले का चमत्कार, मैं एक अघोरी बाबू को जानता हूँ जो जरूर हमें इच्छाधारी नाग का पता बताएगा। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों बाबा? क्योंकि जिस चीज की तलाश में तुम निकले हो, वो इंसान की महक पाते ही गायब हो जाती है, क्योंकि इंसान की फितरत में शैतानियत छुपी है। नहीं नहीं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे बाबा जिससे उन्हें नुकसान हो। तो फिर तुम्हें वो जोड़ा किस लिए चाहिए? हम हिंदुस्तान की सभ्यता को सारी दुनिया में फैला देना चाहते हैं। हम ये साबित करना चाहते हैं कि जो चमत्कार हमारे देश में होते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जिस काम के लिए तुम लोग निकले हो वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आपके लिए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है बाबा। हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे बाबा, हमें सिर्फ उन्हें एक बार देखना है। हम बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं बाबा। वो जोड़ा सिर्फ पूनम की रात को ही दिखाई देता है, लेकिन याद रहे, नाग और नागिन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम सब लोग मारे जाओगे। सरपट। जी गुरुदेव। नाग की पिटारी लाओ। बहुत अच्छा। लीजिए प्रभु। जय नागेश्वर, जय नागेश्वर। इसे अपने पास रखो, डरो मत, ये सांप हमारे वश में है। ये सांप तुम लोगों को वहां ले जाएगा जहां नाग नागिन मिलते हैं। जहां ये सांप पिटारे से बाहर निकलने लगे, वहीं तुम्हें इच्छाधारी नाग नागिन दिखाई देंगे। जाओ। जय नागेश्वर, जय नागेश्वर। बाबा, आपने उन्हें इच्छाधारी नाग नागिन का पता क्यों बता दिया? तू नहीं समझता सरपट, हम बुद्धू नहीं हैं। हम हजार प्रयत्न करने के बाद भी उस नागिन को नहीं पकड़ सके।
क्योंकि वो हमारी गंध पहचानती है। हो सकता है ये लोग उसे पकड़ लें। अगर पकड़ भी लेंगे आपके हाथ तो कुछ नहीं आएगा। आएगा सरपट, आएगा। इन इंसानों से उस नागिन को छीन लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है, समझे ना? समझ गया। क्या बात है आपकी? जय भुलेश्वर। सदा पूजा मैंने देखा खुदा को नहीं, मुझको सदा पूजा मैंने देखा खुदा को नहीं, मुझसे जुदा तू नहीं, तुझसे जुदा मैं नहीं, मुझसे जुदा तू नहीं, तुझसे जुदा मैं नहीं, तू है मेरी रूह है गगन, मैं हूँ तेरा खाना, है नाग तू नागिन नहीं, जीना तेरे मैं नाग तो नागिन नहीं, जीना तेरे बिन चलो। अरे चलो चलो, जल्दी बैठो गाड़ी में। अरे बैठो यार, थोड़ा सा जल्दी। वाह रिंगो, क्या निशाना है। मर गया। ये क्या किया बेवकूफ? इसे मारकर तुमने अच्छा नहीं किया। इसकी आंखों में हम सबकी तस्वीर उतर आई है। जल्दी से लकड़ियां लाओ और इसे जला दो, वरना नागिन हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। जाओ। कुबेर, 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 आंखें खोलो कुबेर। नहीं कुबेर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने नहीं, हमें ये इंसानों ने रख किया है। कुबेर, चन्नी, कुबेर, जाने का वक्त आ गया। हमें भगवान ने नहीं, ये क्या हो गया कुबेर? इन इंसानों ने अलग किया। मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैं सबको मार डालूंगी, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगी। चन्नी,
मणि मैंने शिवलिंग पर रख दी है, उसकी रक्षा करना। कुबेर, यहाँ। अरे कहाँ गया? अरे कमाल है, अब हम सबको संभल कर रहना चाहिए है? नागन हमसे जरूर बदला लेगी, वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मगर राणा साहब, वो नाग गया कहाँ? यही तो था। भोले शंकर, ये कौन से जन्म के पाप की सजा मिल रही है मुझे? मेरा सुहाग तूने मुझसे छीन लिया, मेरे हजारों साल की तपस्या तूने मिट्टी में मिला दी। मैं तुझसे इंसाफ मांगने आई हूँ, इंसाफ मांगने आई हूँ। भोले शंकर, मुझे मेरा कुबेर लौटा दो, मुझे मेरा कुबेर लौटा दो। भोले शंकर, मुझे मेरा कुबेर लौटा दो। शांत नागिन, शांत। हम जानते हैं तुम्हारे भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है, परंतु ये ज्वाला इतनी शीघ्र शांत नहीं हो सकती। भोले शंकर, आप तो नागों के राजा हैं, आप अपनी शक्ति से मेरे पति को जीवन दान दे सकते हैं। हम उसे जीवित नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। पुनर्जन्म? हाँ, पुनर्जन्म। अब वो मनुष्य का रूप ले चुका है, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारा पति तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें घोर तपस्या करनी पड़ेगी। मैं घोर तपस्या करूंगी, मेरी सफलता के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं अपने कुबेर को पा सकूं और अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकूं। सुनो नाग कन्या, जब तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल जाएगा तो तुम्हारी शक्ति पूर्ण हो जाएगी और तुम्हारे दुश्मनों की मौत स्वयं उन्हें खींचकर तुम्हारे पास ले आएगी। तुम लोगों की गलती की वजह से मुझे अब 21 साल तक नागिन के होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। बाबा, रिंगो से यह गलती अनजाने में हो गई, जिसकी वजह से वो नाग मारा गया। और तुम सब लोगों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। नागिन सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपना बदला नहीं भूल सकती। नाग को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया, नागिन अपना बदला जरूर लेगी। अब तुम सब लोग मारे जाओगे, निकल जाओ यहां से। बाबा बाबा बाबा, आप ही हमें बचा सकते हो बाबा। हरगिज नहीं बाबा, अगर आप रूठ गए तो हमारा सहारा छूट जाएगा, जिंदगी का तारा टूट जाएगा। बाबा, हम लोग आपकी शरण में आए, हमारी मदद कीजिए। बाबा, हमारी डूबती नाव को आप ही किनारे लगा सकते हैं। कुछ कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। 20वीं सदी में रहने के बाद भी तुम लोग इस बाबा की बात पर भरोसा करते हो? मुझे तो भरोसा सिर्फ अपनी ताकत पर है। तो फिर यहाँ किस लिए आए हो? निकल जाओ तुम सब लोग यहाँ से, जाओ। जय नागेश्वर, जय परमेश्वर, जय वाल्केश्वर। चुप। हेलो। हेलो भाभी, मैं राय बोल रहा हूँ। ओ, कैसे है? अरे बिल्कुल अच्छा हूँ। एक खुशखबरी सुनिए, मैं एक बेटे का बाप बन गया हूँ। हाँ, मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच भाभी। राणा कहाँ है जी? अभी बुलाती हूँ। ना 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 ना, ना। बुलाइएगा नहीं, उसे फौरन यहाँ भेज दीजिए। और सुनिए भाभी, उसे कुछ बताइएगा नहीं। हाँ जी, ठीक है। किसका फोन था? राय साहब ने आपको फौरन घर पर बुलाया है। क्या काम है जी? वो तो वहीं जाकर मालूम होगा। अच्छा, जाता हूँ, मेरे कपड़े निकालो। अच्छा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो ये समझा कि अपना ये शरीफ आदमी किसी जाल में ना फंस गया हो। चल अपनी भाभी से मिल और अपने भतीजे को देख। मुबारक हो भाभी। अरे बच्चा तो बड़ा सुंदर है। अरे जरा गौर से देखो, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं शंकर भगवान ने जन्म लिया है। क्या हुआ राणा? मुझे तो बच्चे की आंखों में नाग की छाया नजर आ रही है। अम्मा छोड़ो ना, तुम्हें तो हर जगह नाग और नागिनी नजर आते हैं। वो रिंगो ने तुम्हें अच्छे काम से लगा दिया।
चल। नागेश्वर, आज 21 साल पूरे हो गए, पूरे हो गए 21 साल। अब मैं नागिन से मणि हासिल कर लूंगा, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी, मैं दुनिया पर राज करूंगा, मौत भी मेरे वश में होगी, मैं अमर हो जाऊंगा। मैं अमर हो जाऊंगा। बेटी बात यह है कि आप यही कहेंगे ना कि आप मेरे साथ नहीं चल सकते। मेरी बेटी कितनी समझदार है, आखिर है ना समझदार बाप की बेटी। हाँ। बेटे एक जरूरी काम के लिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ, तू मुझे माफ कर आज। डैडी आपका इंतजार करते करते मुझे कितनी देर हो गई, सूरज का प्लेन कब का आ चुका होगा। आई एम सॉरी बेटे। व्हाट सॉरी डैडी, अच्छा ठीक है मैं ही जाती हूँ, बाय। जय नागेश्वर, 21 साल की कड़ी तपस्या के बाद आज तू मुझे मिली है, बिना मणि प्राप्त किए मैं आज तुझे जाने नहीं दूंगा। नमस्ते सूरज बाबू। अरे कैसे हो? ठीक हूँ। डैडी नहीं आए? काम से गए। क्या हुआ ईश्वर? पता नहीं साहब क्या बात है। हाँ देखो जल्दी।
साहब गाड़ी गर्म हो गई, मैं पानी लेके आता हूँ। ठीक है। और सुनो जल्दी आना। जीना तेरे दिन साथ रात दिन का साथी छूटे ना। तू नागिन नहीं जीना तेरे बिन साथ रात दिन का साथी छूटे ना। मेरी तुझे रब माना, मेरी तुझे सब माना, मेरी तो ये बस जाना। तू नाग में नागिन नहीं जीना तेरे बिन साथ रात दिन का साथी छूटे ना। अरे ड्राइवर जी, क्या हुआ? गाड़ी गर्म होके बंद हो गई। मगर सूरज कहाँ है? सूरज साहब उस तरफ गए हैं। उस तरफ? आज तेरे आशीर्वाद से 21 साल के बाद मुझे मेरा कुबेर मिल गया। कौन हो तुम? तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुम्हारा मेरा साथ तो जन्म जन्मांतर का है। मैं कुछ समझा नहीं। अभी तक तो अकेली थी, मगर अब हम सफर मिल गया है। देखो तुम्हारे आने से सारा माहौल खुशियों से भर गया है। मैं अब भी कुछ समझा नहीं। अब तुम यहाँ आ गए हो, सब समझ जाओगे। शायद कोई आ रहा है, फिर मिलूंगी। कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, आना। तुम? जी हाँ मैं। एयरपोर्ट से परेशान होकर घर जा रही थी, देखा तो जनाब यहाँ अटके पड़े हैं। वैसे तुम इतने खोए खोए क्यों हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, मंदिर ऐसे देखने चला आया था। काफी पुराना है। हाँ शिवजी का मंदिर है ना। अच्छा है। वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तुम्हें एक फिल्म दिखाऊंगी, दिल एक मंदिर है। तुम बिल्कुल वैसे की वैसी हो। हाँ अंकल घर में इंतजार कर रहे होंगे, बाकी का मुआयना ना फिर कभी करेंगे। चलो घर चले। वेलकम वेलकम माय सन। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटे। आप एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? और देखिए डैडी ने भी मुझे अकेले भेज दिया। बड़ा अच्छा किया उसने। भाई हम बुड्ढों को कबाब में हड्डी बनने से क्या फायदा। कैसे हैं डैडी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे। ये बता तेरी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? बस आपके आशीर्वाद से आखिर एक डिप्लोमा लेकर आया हूँ। अच्छा तो हमने तेरे लिए यहाँ इनाम तैयार किया है। क्या? किरण मैडम से तुम्हारी शादी। तुम दोनों आपस में बात करो। सूरज कल शाम को 5 बजे मैंने कुछ सहेलियों को बुलाया है तुमसे मिलवाने के लिए। अच्छा? जरूर आना। जरूर आऊंगा, 100% आऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके बाय।
चाहे कहीं भी रहो आना पड़ेगा जरूर, चाहे कहीं भी रहो आना पड़ेगा जरूर। तुम जो चराग मेरे दिल में छुपे हो हुजूर, सुन के आवाज मेरी तुम दौड़े आना। रात मैंने एक सपना देखा, देखा कि हम दोनों नाग नागिन बन गए। इस सपने का मतलब क्या है? हा? कहते हैं नाग नागिन का प्रेम अमर होता है। अरे 6 बज गए, वो अब तक नहीं आया। किरण तुम्हें अच्छी तरह याद है ना कि सूरज को तुमने चाय पर ही बुलाया था? अरे वो तो डिनर पर ही आएंगे। अरे भाई अब हमसे इंतजार नहीं होता। हाँ हाँ तो पी ले चाय, ले खा ले। किरण सलोनी कितनी प्यारी, लेकिन है वो बड़ी बेचारी, रूठी हुई है प्यार की भी। वेल मिस्टर राणा, हम कब तक इंतजार करेगा? मिस्टर रिंगो, हमारी तलाश जारी है और बहुत जल्द हम अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। वेल गुड, बैठिए। बट मिस्टर राणा, अब हम ज्यादा इंतजार नहीं करने को सकता है। मिस्टर रिंगो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गुड। सूरज, सूरज। आ रहा हूं, आ रहा हूं। सूरज। अरे किरण, क्या बात है, बहुत गुस्से में हो? फौरन नीचे आओ। अच्छा बाबा। क्या बात है, वाकई में बहुत गुस्से में हो? जानते हो, तुम्हारी वजह से कल सारी मेरी सहेलियां मुझ पर हंस रही थी। कहां चले गए थे तुम? वो क्या है कि आहा, क्या देवदास की तरह मुंह बनाकर खड़े हो?
नहीं किरण, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है कि असल में मेरे पेट में बहुत दर्द था, इसलिए मैं डॉक्टर को दिखाने चले गया था। इस बार माफ कर दो। माफ कर सकती हूँ, मगर एक शर्त पर, तुम्हें कल मेरे साथ लंच लेना होगा। बोलो मंजूर है? तुम कहती हो तो। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो कल 12 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगी। ओके, अरे सुनो, बाय। चलिया चलिया चलिया।
के हो पहरे चाहे ऊंची उठी हो दीवारे सच्चे प्रेमी रुकते नहीं है चीर के आते मझधारे मेरे प्यार मेरी जिंदगी में आ चलिया 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 चला मेरे दीवानिया मेरी बाहों में आ क्या बात है आज हमारी बेटी का गुस्सा है नाजुक फूलों पर क्यों उतर रहा है आप यहाँ से चले जाइए डैडी वरना मेरा सारा गुस्सा आप पर उतर जाएगा अरे भाई कमाल है पर हमारी गलती क्या है बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं नामुमकिन जैसी चीज आपकी डिक्शनरी में नहीं है मगर आपसे मेरा एक काम नहीं होता ओफो भाई बात क्या है रो क्यों रही हो अगर आपने सूरज के डैडी से बात नहीं की तो मुझे इसी तरह रोना पड़ेगा बस इतनी सी बात ये इतनी सी बात नहीं है डैडी सूरज किसी और लड़की के प्यार के जाल में फंसता जा रहा है देखो बेटी मंगनी तो हम तुम्हारी तय कर चुके हैं लेकिन किसी को भी पाने के लिए तपस्या और श्रद्धा की जरूरत होती है और प्यार को सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है तुम फिक्र मत करो बेटी बहुत जल्द हम तुम्हारी शादी की तारीख तय कर देंगे सच डैडी 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 है चांदनी अरे जीते रहो तुम्हारे साथ पढ़ती है ये नहीं डैडी मेरी फ्रेंड है कहाँ रहती है जी जी वो शिव मंदिर है ना उसी के पास अच्छा तुम्हारे डैडी क्या करते हैं जी जी वो तो जी वो इस दुनिया में नहीं है अच्छा अच्छा तो अपनी माँ के साथ रहती हो नहीं डैडी इसकी माँ भी नहीं है ओहो यानी कि अनाथ हो बड़ा मुश्किल होता होगा माँ बाप के बिना अपने आप को संभाल के रखना अच्छा सोच बेटे तुम्हारी मेहमान ही चाय वाय पिलाओ हाँ मैं चलूं आओ अरे तुम तो बिल्कुल ठंडी पड़ गई हो कमाल है अगर पिताजी यहाँ थोड़ी देर और होते तो शायद तुम तो बेहोश हो जाती मैं चलती हूँ अरे 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 कहाँ जा रही हो बहुत देर हो जाएगी कल मिलूंगी कहाँ शिव मंदिर में हेलो हाँ कौन रहा है हाँ राणा कैसे हो हम तो अच्छे हैं लेकिन तुम हमें भूल गए हो नहीं यार भूला तो नहीं हूँ हाँ थोड़ा दूर जरूर हो गया हूँ तो फिर ये दूरियां खत्म कर दो भाई अपनी बेटी तुम ले जाओ और हमारा बेटा हमें दे दो वो तो ठीक है लेकिन दहेज में क्या दोगे अरे भाई दहेज में हम ही आ जाएंगे तुम्हारा क्या मैं अचार डालूंगा सारी जिंदगी तुम्हें बिठाकर खिलाएगा कौन हाँ अच्छा तो ये बात है भिजवा दो लिस्ट क्या क्या चाहिए तुम्हें लेकिन एक बात और है मैं साथ ही साथ पुलिस वालों को भी खबर कर दूंगा अरे भाई ऐसा मत कर देना मैं तो मजाक कर रहा हूँ अमा यार मैं कौन सा सीरियस हूँ मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूँ ओके ओके बाय बाय राणा डैडी डैडी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बोलो क्या बात है वो डरे आपको चांदनी कैसी लगी ठीक है सुंदर है लेकिन ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो जी वो मैं चांदनी को बहुत पसंद करता हूँ हाँ मैं समझ गया अभी थोड़ी देर में कहोगे मैं उसे प्यार करता हूँ उसे शादी करना चाहता हूँ जी डैडी बस आपका आशीर्वाद चाहिए आशीर्वाद तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ बरखुरदार तुम शायद भूल गए कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है लेकिन डैडी मैंने किरण को कभी अपनी मंगेतर नहीं समझा
वो तो सिर्फ मेरी दोस्त है। ये तो और भी अच्छी बात है, एक दोस्त बहुत अच्छी बीवी बन सकती है। लेकिन डैडी आप समझने की। देखो बेटे, तुम रिश्तों के धागे तोड़ सकते हो लेकिन मैं वचन का बंधन नहीं तोड़ सकता। गुड बाय। चांदनी मैं यहाँ हूँ। तो फिर वहां क्यों खड़ी हो, सामने आओ ना। चांदनी क्या बात है सूरज, इतनी घबराए हुए क्यों हो? चांदनी मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे डैडी ने मेरी शादी किरण से तय कर दी है। ये नहीं हो सकता सूरज, मैं तुमसे बिछड़ कर नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। नहीं चांदनी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं डैडी से जाके फिर बात करूंगा। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? नहीं चांदनी, आज तक मैंने अपने डैडी से कुछ नहीं, अब जाकर अपना प्यार मांगूंगा। और उन्होंने मना कर दिया तो मैं उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर सदा के लिए तुम्हारे पास चला आऊंगा, फिर हम एक नया संसार बसाएंगे। हाँ तो राणा साहब, आप तो खुश, अब तो हम दोस्त से समधी हो गए। मुबारक हो, फिर शादी की तारीख पक्की, 25 अक्टूबर। मुबारक। डैडी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या बात बेटे? आपने मेरी शादी की तारीख पक्की कर ली और मुझे बताया तक नहीं। हाँ भाई बरखुदार, हमने तो अपना वचन निभाया है। वाह, आप अपने वचन के आग में मेरी सारी खुशियों को जला देना चाहते हैं? कैसे बाप हैं आप? सूरज, बचपन में माँ गुजर गई, माँ का प्यार तो नहीं मिला, और आपने मुझे हमेशा अपने से दूर रखा, और आज जब मुझे किसी का प्यार मिल रहा है, जिंदगी की सारी खुशियां मिल रही हैं, वो भी आप मुझसे छीन लेना चाहते हैं? लेकिन बेटे मैंने तो नहीं। डैडी मेरा प्यार मुझसे मत छीनिए, मेरे जज्बात को समझिए डैडी, मेरी खुशियां मुझसे मत छीनिए, वरना नहीं मैं जानता नहीं मैं क्या कर लूंगा। नहीं बेटे ऐसा मत कह, बेटे ऐसा मत कह, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, अब तो खुश हंस, हंसना। नहीं नहीं, मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा, मैं अपनी बरसों की तपस्या का खून नहीं होने दूंगा, ये शादी मेरे लिए बर्बादी है, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। भोले शंकर, आप? हम तुम्ही से मिलने आए हैं राजेश्वर। लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं बाबा? हम तो तुम्हारे सारे खानदान को जानते हैं, और आज 50 साल बाद हम हिमालय से सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं। ऐसी क्या बात है बाबा? अपनी सिद्धि से हमें ज्ञात हुआ है कि तुम्हारा परिवार किसी मुसीबत में फंसने वाला है। मुसीबत? हाँ, तुम जिस लड़की से अपनी बेटे की शादी करने जा रहे हो वो एक इच्छाधारी नागिन है। इच्छाधारी नागिन? तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं? आज के जमाने में आपकी इन बातों पर कौन विश्वास करेगा बाबा? राजेश्वर, तुम पर और तुम्हारे बेटे के दिमाग पर उस नागिन का जादू चढ़ गया है, मगर याद रखो उस नागिन का जहर तुम्हारी खुशियों के महल को चकनाचूर कर देगा। चेतावनी देना हमारा फर्ज था, अब तुम मानो चाहे ना मानो। मैं इन दखलअंदाजी बातों को नहीं मानता। अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो उस लड़की पर निगाह रखो, हर सोमवार नागिन को अपने असली रूप में आना ही पड़ता है। मुझे लगता है तुम मेरे घर की शांति भंग करने आए हो, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के धक्के निकला दूंगा। जय भोले शंकर। पाखंडी कहीं का। सूरज और चांदी की शादी, ये कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं होने दूंगा, हर किस नहीं होने दूंगा। ये क्या मजाक है, सूरज की शादी किरण से तय हो गई थी, ये बीच में चांदी कहां से आ गई? मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूं राणा, लेकिन मेरी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो तुम मेरी बेटी के दिल पर छुरियां चलाने को तैयार हो? राणा, जैसे तुम अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, वैसे ही मैं अपने बेटे की खुशियां नहीं छीन सकता। तो फिर वचन क्यों दिया था? वो वचन बेबुनियाद था। सूरज, बड़ों की बातों में छोटों को दखल नहीं देना चाहिए, और बच्चों की जिंदगी के फैसले बच्चों को पूछकर ही करने चाहिए। जब ये फैसला हुआ था तो बच्चे अपने होश में नहीं थे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चों की बेहोशी का फायदा उठाकर अगर बड़े कुछ भी तय कर लें तो उसकी जिम्मेदार बच्चे तो नहीं है। देखो राणा,
जो गलतियां हमने की हैं उनका प्रायश्चित भी हमें ही करना होगा। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। मैं तुम्हारे प्रायश्चित के समंदर में अपनी बेटी की खुशियां नहीं डुबो सकता। और एक बात याद रखो राजेश्वर राय, दोस्ती जब दुश्मनी में बदलती है तो उसका अंजाम बड़ा खतरनाक होता है। सूरज, राणा की धमकी का मतलब समझे बेटे? मतलब कुछ भी हो डैडी, लेकिन दिलों के रिश्ते धमकियों से नहीं तोड़े जाते। किरण, रो मत मेरी बेटी। ये सब क्या हो गया डैडी, ये सब क्या हो गया डैडी? रो मत मेरी बच्ची, तेरा डैडी सब कुछ ठीक कर देगा। हाय, ये शर्म से झुकी आंखें, कांपते होंठ, वाह क्या बात है। अच्छा अच्छा, अब समझा। क्या समझे? कि आज की रात तो ऐसी रात ही है। कैसी? थोड़ी जानी थोड़ी पहचानी, नए मोड़ पे चलते, थोड़ी सी घबराहट तो होती है, लेकिन अब तो हम जिंदगी के हम सफर बन गए हैं। तो फिर ये दूरी क्यों? क्या कह रहे हैं बाबा? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं राणा, राय की बहू नागिन है और उसका बेटा वही नाग है जिसे तुमने मारा था। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है, ये उसका इंसान के रूप में पुनर्जन्म है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारे दुश्मनों ने दोबारा जन्म लिया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उस नाग को तो हमने सड़क पे कुचल दिया था, ये नाग कहां से आ गया? ये उस नाग का पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म? इसका मतलब है वो हमारा ताक धिनाधिन करने के लिए संसार में आया है। इससे पहले कि उनका जहर हमारी जिंदगी के दरवाजे पे दस्तक दे, हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन उस नाग के बिल में हाथ कौन डालेगा? मैं इस काम को अंजाम दूंगा। सुबह सुबह कोई शरारत नहीं चलेगी। छोड़ो मुझे। आपका फोन। हेलो, मैं सूरज बाबू से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल रहा हूँ, कहिए। हमें एक प्रोजेक्ट के बारे में आपसे कुछ बातें करनी। अपना ऑफिस का नंबर दे दीजिए और एड्रेस दे दीजिए प्लीज। लिखिए, एवरग्रीन अपार्टमेंट नियर लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी वेस्ट। जी, आपका नाम? विजय। जी जी, मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा। अच्छी बात है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। जी, थैंक यू, गुड बाय। आइए आइए सूरज बाबू, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो आप ही मिस्टर विजय? हाँ जी हाँ, इस नाचीज को ही विजय कहते हैं। अच्छा, लगता काफी दिनों से कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। दरअसल हमारा अपने पार्टनर से कुछ वाद विवाद चल रहा है, इसलिए। ओहो, आई सी। वैसे आपके पास इस सारी कंस्ट्रक्शन का नक्शा तो होगा, जरा दिखाइए।
हाँ हाँ क्यों नहीं, इसीलिए तो आपको बुलाया है। अरे गुप्ता जरा साहब को नक्शा दिखाओ। कैसा लगा नक्शा सूरज बाबू? ओहो तो ये चाल तूने मुझे मारने के लिए चली है। हाँ क्योंकि तेरी मौत ही हमारी जिंदगी है, देखते क्या हो। खत्म कर दो साले को। बाबा हमारा एक साथी नागिन के हाथों मारा जा चुका है, मालूम है। अब तुम सब लोगों को भी होशियार रहने की जरूरत है। बाबा अब तो आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। तावीज लाओ सरपट। लीजिए झटपट, पहन लो फटाफट। ये तावीज जब तक तुम लोगों के गले में रहेगा नागिन का जहर तुम पर असर नहीं करेगा। तो मुझे इन ढकोसलों की जरूरत नहीं। तुम देव शक्ति का अपमान कर रहे हो विक्रम। मैं इन तावीजों से ज्यादा अपनी अक्ल पर विश्वास करता हूँ। ये तावीज ले लो विक्रम। विक्रम तावीज लेने से तुम्हारा क्या नुकसान है? जिस काम को मेरा दिल नहीं मानता राणा मैं वो काम नहीं करता। जब इंसान की मति मारी जाती है तो वो किसी की कुछ नहीं सुनता। जय नागेश्वर। क्या हो गया? मैं डर क्यों रहा हूं? मुझे डरने की क्या जरूरत है? ये है ना मेरे पास।
मेरा चैन छीनने वाली, तू चैन की नींद नहीं सो सकता। तूने मेरे प्यार का खून किया है, कौन? मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली है, मगर ये याद रखना, मैं नाग बनकर तेरी जिंदगी को टपकूंगी, मैं जहर घोल दूंगी, तू तड़प कर मरेगा, तू तड़प तड़प कर मरेगा। मैं नागिन बनकर तुझे टस लूंगी, मैं नागिन बनकर तेरी जिंदगी में जहर घोल दूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। अभी आप शनिवार रात 8 बजे प्रसारित होने वाले नाटक की झलक सुन रहे थे। भगवान, हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं, लीजिए सुन हमारा। अरे प्रोग्राम देना है, शेर का दो, हाथी का दो, नागिन का क्यों? ये सोचते हैं कि मैं डर जाऊंगा? खाम का मुझे वहम में डाल दिया है। ये वहम नहीं बल्कि हकीकत है। कौन हो तुम? रेडियो तो मैंने बंद कर दिया था। हिम्मत है तो सामने आओ। अपनी मौत को सामने देखकर तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से रंग देखे हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिंदगी को मौत की चादर में लपेटने के बाद अब तू जिंदा नहीं रह सकता। अबे ओ, खड़ा हो जा, कुंभकरण की औलाद। ये ले तेरा दही। अरे सुना नहीं, खड़ा हो जा। तेरा कभी नहीं खड़ा होगा सांप। क्या बकती है? क्या बकती हूँ, अगर हिम्मत है तो खड़ा करके दिखा सांप को। अच्छा ये बात है, अभी करता हूँ खड़ा इसे। अबे ओ डूब मर चुल्लू भर पानी में, चमेली की खड़ी होगी चुटिया, तेरी ना टूटी निंदिया। अच्छा बुद्धू ये बता कि तूने मेरे बाबा से शादी की बात की या नहीं? मैं करने ही वाला था, लेकिन तुम्हारे बाबा को जुलाब लगे हुए थे, बात आधी रह गई। अरे मेरे राजा, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता मेरी अनारकली। अपने सलीम को गले से लगा ले, बस तू है और मैं हूँ और हमारे प्यारे बच्चे हैं। घबराओ नहीं, मैं शादी के लिए पैसे का इंतजाम करूँ। जब से लागी लगन चंपा हुआ मगन, वो बाबा बाबा हर दम टर्राने लगा। कुछ भूल रहा हूं मैं क्या? अरे हाँ, शंभुनाथ जी को नमस्कार करना तो भूल ही गया।
जय बम बम बोले तन मन डोले है? मैं जानता हूँ डर के मारे तेरा तन मन डोल रहा है और अब धन भी डोलेगा। धन्य भाग हमारे जो बाबा के असिस्टेंट पधारे धन्य हो। माफ कीजिए माफ कीजिए। नागिन से जान बचा रे वरना वो तुझे मारे ही मारे। हैट अरे नागिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक ये बाबा का तावीज मेरे पास है। तावीज पे मरा रे तावीज में क्या धरा रे। अरे सीनियर बाबा की बुराई करेगा तो तेरा ताक धिनाधिन हो जाएगा। तू दुनिया से एक दो तीन हो जाएगा है? मगर घबराने की कोई बात नहीं मेरे पास इसका उपाय है। क्या भभूत? क्या सबूत बाबा के भूत? ये है मेरी भसम नागिन का जहर कर दे खत्म बड़ी महंगी दवाई है। क्या इंपोर्ट करवाई है? मेरा मतलब है कहाँ से मंगवाई है? मैंने खुद ने बनाई है। इसे अपने जिस्म से लगा रे और 25,000 दिलवा रे। 25,000 बड़ी महंगी दवा रे। तो ऐसे ना लगा रे। नहीं नहीं मुझे दवा चाहिए मुझे दवा चाहिए। मुझे नोटों की हवा चाहिए मुझे नोटों की हवा चाहिए। एक मिनट वाह 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 रे वाह वाह ये लीजिए करारे करारे वाह फरारे 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 हमारे हो गए वारे न्यारे। धन्य हो रे धन्य हो रे। जय बाबा जय पुड़ी जय पाउडर। वाह अरे 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 ये क्या हुआ? अरे 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 क्या क्या अरे 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 ये क्या दबा रे? अरे मरा रे अरे 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 झाड़ू दो। अरे खुजली वाले कुत्ते ने काट लिया है क्या? अरे कुत्ते ने नहीं मुझे बाबा ने काट लिया। नहीं कुटिया बाबा ने नहीं पूरी ने काट लिया। मैं चलता हूँ। बिना बिना कपड़े पहने कहाँ चले जा रहे हो? इसे तो पहन लो। अब बताओ जा कहाँ रहे हो ये तो बताओ। मैं वो बाबा की बीन बजाने जा रहा हूँ। अरे अरे झाड़ू लेते जाओ। चलो ओह कैसे आदमी से पाला पड़ा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे अरे चंपा लाल आओ। अरे भाई कैसे आना हुआ? महाराज आप धन्य है धन्य है महाराज। आप तेरी अरे क्या कर रहे हो? मैं आपका एहसान किस तरह चुका सकता हूँ महाराज? आज तो बड़े खुश हो। आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा महाराज। आपको कोटि कोटि प्रणाम महाराज। धन्य हो। ये क्या मैं बताता हूँ वो नागिन से बचने के लिए जो पाउडर दिया था ना अब खुजाओ खुजा खुजा के मरो। नहीं नहीं ये खुजली तो मेरे अंदर घुस रही है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है तोते? क्यों बच्चू मजा आ रहा है? अब खुजा खुजा के तेरी हालत जंगली खुजली वाले कुत्ते जैसी हो जाएगी। कुत्ते कुत्ते कुत्ता होगा तू तेरा बाप। जय नागेश्वर जय बालकेश्वर जय नागेश्वर। ये सब क्या तमाशा है? मैं बताता हूँ बाबा मैं बताता हूँ। ये जो आपका चमचा है ना क्या? मेरा मतलब है ये जो आपका शिष्य है ना उसने मुझसे 25,000 रुपए लिए और बदले में मुझे भस्म दी जिससे मेरा भी यही हाल हुआ। सरपट अरे कुछ ये झपट। कौन सी पुड़िया दी थी? मैंने सफेद पुड़िया दी थी। चंपालाल जी महाराज तुम्हारे भाग्य अच्छे थे जो सफेद पुड़िया मिली। अगर लाल दी होती तो नागिन का काम पुड़िया ने कर दिया होता। अच्छा तेरी तुम। जय नागेश्वर जय महाबलेश्वर जय महाबलेश्वर। सरपट उस जहरीली नागिन ने हमारे दो साथियों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी जिंदगी हम सबके लिए मौत है। मौत? ये क्या कह रहे हैं राणा साहब? मैं मरना नहीं चाहता मैं मरना नहीं चाहता राणा साहब। तो क्या हम मरना चाहते हैं? भाई तू अपनी सोच मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब है राणा साहब कोई ऐसा उपाय नहीं हो सकता जिससे वो नागिन भी मर जाए और हमारा ताक धिनाधिन भी ना हो। सिर्फ एक ही रास्ता है अजीत। तुम सूरज को खत्म करोगे और मैं उस जहरीली नागिन को। चलो जान बची और लाखों पाए घर के बुद्धू घर को आए। नहीं चंपा तुम मेरे साथ चलोगे है? तो ठीक है
मैं उस नाक का वो हश्र करूंगा कि मौत भी कांप उठेगी। हेलो हेलो, मिसेस सूरज हैं? देखिए मैं डॉक्टर रामकुमार बोल रहा हूँ, आप फौरन सीबीसी अस्पताल पहुँच जाइए। हॉस्पिटल में क्यों, क्या हुआ? सूरज का एक्सीडेंट हो गया है। कब और कैसे हुआ, जल्दी बताइए। देखिए आप फौरन चले आइए, आपको सब पता चल जाएगा। हेलो, क्या मैं सूरज से बात कर सकता हूँ? बोल रहा हूँ। हेलो सूरज, मैं डॉक्टर अग्रवाल सीबीसी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। तुम्हारी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है और तुम फौरन वहाँ चले आओ। एक्सीडेंट कैसे? तुम्हें सब बातें वहाँ आकर पता चल जाएंगी, तुम फौरन आ जाओ। हेलो 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 हेलो, क्या बात है राणा, वो नागिन अभी तक आई क्यों नहीं? वो गाड़ी आ रही है, शायद उसमें कोई हो। अरे राणा साहब, अरे ये तो ये कितना भागा है, कितना आगे। राणा राणा राणा, मुझे लगता है ये नागिन हमें यहां जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्यों ना हम लोग विदेश चले जाएं फॉरेन, अपना पासपोर्ट तो तैयार है ना? पासपोर्ट बनेगा लेकिन मेरा नहीं, उस नागिन के लिए पासपोर्ट बनेगा, वो भी जहन्नुम का। ए मिस्टर, ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ। तो आप गाड़ी हटाइए। गाड़ी रास्ते से नहीं हटेगी। क्यों, क्या ये रास्ता तुम्हारे बाप की जागीर है? ये रास्ता भी हमारे बाप की जागीर है और ये गाड़ी है। तमीज से पेशाओ। तमीज, तमीज तो तुझे मेरे आदमी सिखाएंगे बच्चे। इसे मत मारो। मगर क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि वो जहरीली नागिन हमारे पंजों से निकलकर भाग गई है और अगर ये जिंदा रहा तो वो इसे बचाने जरूर यहाँ आएगी। ठीक है, मैं इन दोनों का काम वहीं तमाम कर दूंगा। शेर सिंह, इसे ले जाकर लाल कोठी में बंद कर दो। बहरी है क्या, इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूं, सुना नहीं देता? गूंगी भी है क्या? ये बात नहीं है बाबूजी, पर हम गैर मर्द के साथ कैसे बात कर सकते हैं? अरे भाई, हमें गैर मत समझो, हमें अपना ही समझो। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? ये पास ही के गांव में। मैं भी वहीं जा रहा हूँ,
अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं? ना बाबा ना, हमका कोई देख लिया तो? यहाँ तुम्हें कौन देखेगा, और फिर थोड़ी ही देर में तुम अपने गांव पहुंच जाओगी। आओ। हाय दैया, हम चलत है पर हमका ही लगाना। ओके, आओ आइए, चलो घबराओ नहीं, बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? छमिया। छमिया, बहुत अच्छा नाम है। तुम्हारे मर्द का क्या नाम है? शर्मा गए? अरे भाई, तुम्हारे मर्द का कोई नाम तो होगा। अरे पेपर क्यों फाड़ रही हो? अरे अरे, ये क्या, तुमने तो इसमें छेद कर दिया। इसको उल्टा सीधा कर लो, हमार मर्द का नाम तुम्हें पता चल जाएगा। छेद, छेदी, ओ समझ गया, छेदी लाल। आओ मेरी छमिया, मेरी जान।
बेटा रोने से कोई फायदा नहीं। डैडी, डैडी मैं जानता हूँ बेटा कि तुम सूरज को अब तक नहीं भूल पाई, मगर तुम्हारे प्यार को नागिन ने डस लिया है। नागिन ने? हाँ, चांदनी इच्छाधारी नागिन है। तुम चुप नहीं रह सकते? अरे चुप कैसे रहूं, वो हम दोनों की जान की दुश्मन जो बनी बैठी है। मगर वो आप लोगों की दुश्मन क्यों है? क्योंकि हम कमबख्तों ने काम ही कुछ ऐसा किया। चंपा! अरे क्या चंपा, चंपा यहाँ मेरी चंपी हो रही है, तुम्हें तो अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मेरी जान की तकदीना दिन हो जाएगी उसका क्या? अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी ताक धिना दिन कर दूंगा। अरे मगर राणा साहब आप मौत को अगर आना है तो आ जाएगी। मौत? ये क्या बातें कर रहे हैं डैडी आप, मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। अरे बेटी तो कुछ करो ना, वरना हमारा तो तकदीना दिन होने ही वाला है। मैं एक विषकन्या को जानती हूँ जो इतनी जहरीली है कि अगर वो नाक को भी डस ले तो वो भी तड़प तड़प कर मर जाएगा। तो आप लोग यहाँ मेरा जहर खरीदने आए हैं? क्योंकि जहर से ही जहर को काटा जा सकता है और जहर का खजाना तुम्हारे पास है। उस खजाने को खरीदने के लिए आपको उसकी कीमत पेशगी अदा करनी पड़ेगी। जिंदगी के बदले जब मौत को खरीदा जाता है तो उसकी कीमत नहीं देखी जाती। विषकन्या, हमें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मंजूर है, लेकिन हमें ये कैसे यकीन हो कि तुम उस जहरीली नागन को हमेशा के लिए खत्म कर दोगी? तो ये तमाशा तुम अपनी आंखों से देख लो। मेरे जहर पर विश्वास हुआ? हाँ, तुम बहुत ही जहरीली हो, इसका अब हमें पूरा यकीन हो गया। विषकन्या, जितनी जल्दी हो सके उस नागिन को खत्म कर दो। ये काम तो सिर्फ पूनम की रात में ही हो सकता है। ठीक है, हम अपना वादा पूरा करेंगे और पूनम की रात को तुम अपना वादा पूरा करोगी। आओ बेटी, भेस बदल कर पूनम की रात।
लो विश कन्या का तो तकदीना दिन हो गया। मैं तो कहता हूँ भाग चलो वरना अपना भी तकदीना दिन हो जाएगा। चलो अरे बाबा कहाँ है? क्यों इतना बड़ा बाबा तुमको दिखता नहीं है? अरे तुम बाबा कहाँ हो, तुम तो सरपट हो, मैं तो बड़े बाबा की बात कर रहा हूँ। क्यों बात क्या है? अरे क्या बताऊं, अरे वो नागिन मौत का हार बनके हमारे पीछे पड़ी हुई है, न जाने कब वो हमारा तुम्हारा तकदीना दिन। हाँ वही तकदीना दिन। ओहो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे पास एक तरकीब है तेरी। अरे बाबा आपकी तरकीब के चक्कर में तो मेरा हाल खुजली वाले कुत्ते जैसा हो गया था। अरे मेरी बात तो सुनो, नागिन तुम्हें इस रूप में देख चुकी है, तुम अपना भेष बदल लो ताकि वो तुमको पहचान न सके। अरे ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है सरपट। हाँ बस बन जाओ झटपट। माफ कीजिए। अयरबा नहीं लगदा दिल मेरा हाय। आप जी आदाब। आदाब चंपा लाल जी घर में है, मुझे उनसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कोई खास काम है क्या? जी हाँ मैं उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। प्राइवेट सेक्रेटरी? जी हाँ, लेकिन आप? मैं हेमा हूँ उनकी धर्म पत्नी, कहिए। ओह बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिलकर, बड़ी खुशी हुई जी। वो क्या है कि चंपा लाल जी ने कल मुझे होटल कमांडो में बुलाया था, मैंने बहुत इंतजार किया पर वो नहीं आए। मैंने सोचा खुदा ना करे कुछ हो तो नहीं गया, आखिर हम सेक्रेटरियों का भी तो कोई फर्ज होता है ना। सुनिए आप लोग क्या होटल कमांडो में रोजाना मिलते हैं? लो ये भी कोई पूछने की बात है। सेक्रेटरी का चार्ज लेने से पहले हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ता। क्या मतलब? सिर्फ इतना सा फर्क है अंदर और बाहर का, जैसे आप और ये क्या, ये आपको क्या हो गया? माना कि आप उनकी धर्म पत्नी हैं, लेकिन एक बड़े आदमी के सेक्रेटरी होने के नाते मेरा भी तो कोई अधिकार है, और मेरा ये अधिकार आप मुझसे हरगिज नहीं छीन सकते। ये अधिकार हरगिज नहीं छीन सकते। अरे जब मेरी खुद की धर्म पत्नी मुझे नहीं पहचान सकी तो अब मुझे देखना है कि दुनिया में और कौन है जो मुझे पहचान सकता है। ये सब क्या है? अरे सब पता चल जाएगा, अब तो वो जहरीली नागिन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ सिर्फ एक नागिन बिगाड़ सकती है और वो है। ए बीबी जी कहाँ घुसी चली आ रही हो, क्या बाप का घर समझ रखा है? हाय मेरे बाप का नहीं तो क्या तेरे बाप का घर है? हाथ हटा। कौन है बुद्धि? अरे मेरी किरण बेटी, मेरी पप्पूली, कैसी है तू? कहाँ से आई है आप? अरे मिल कॉलोनी से। आप है कौन? बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? हाँ। ये नई माँ कहाँ से आ गई? मैं नई माँ नहीं हूँ बेटी, मैं तो सेकेंड हैंड माँ हूँ। सेकेंड हैंड माँ? हाँ सेकेंड हैंड माँ बेटे, जिस तरह एक जमाने में सौतेली माएँ हुआ करती थी ना, उसी तरह आजकल के जमाने की मैं सेकेंड हैंड माँ हूँ। लेकिन बेटे तुम्हारे वो कहाँ हैं? वो कौन? तुम्हारे ओरिजिनल पिताजी बेटी। ओरिजिनल पिताजी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है बेटी कि तुम्हारे ओरिजिनल पिताजी के साथ इस निगोड़ी सेकेंड हैंड मदर को जरा सी ताकदीना थीन करनी है। ए नौटंकी वाले चंपालाल अपना ये नाटक बंद कर। अरे अंकल आप, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। अरे बेटी इसीलिए तो ये भेष सजा रखा है, जहरीली नागिन से बचने का यही एक तरीका है। नाना साहब मैं तो कहता हूँ आप भी कुछ ऐसा ही। बकवास बंद कर, शट अप। ठीक है पैकअप, मुझे क्या है। बॉस क्या माल जा रहा है, जेवर वेवर भी है, चलो देख। चलो चलो तो भूल चली बाबुल का दे। अरे क्या टन्नक पिलो सा बदल है रे। और ये चांदी के कलश पर जवानी गजब उठा। ये ले ये ले, चांदी के कलश जैसी जवानी। भागो भागो भागो, अरे भाई साहब हटना। अरे साहब इधर भी आहिस्ता भाई साहब धीरे से। टोपी टोपी जैकेट ले। सुनो कादर हाँ। तुम बाहर ठहरो, हम अंदर देख कर आते हैं। ओके बॉस। चलो कुमार। अरे
मिले के वफा आ जाए, आज तू सामने आए तो मजा आ जाए। महफिल में मुझको देख कर तुमने जो मुस्कुरा दिया, अपने राज से पर्दा यहाँ उठा दिया। समझो के आज, समझो 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 के आज, हाँ हाँ समझो समझो के आज मौत को अपना पता बता दिया। हमने जो अपने राज से पर्दा यहाँ उठा दिया। बता दिया
बिजली फलक से गिर पड़ी दिल का चमन जला दिया। बिजली फलक से फलक फलक से बिजली फलक से फलक से बिजली फलक से गिर पड़ी दिल का चमन जला दिया। हमने जो अपने राज से पर्दा यहाँ उठा दिया। हमने जो अपने राज से पर्दा यहाँ उठा दिया। भलाई है रखो न हमसे वास्ता। होगा खुदा के सामने मेरा तुम्हारा फैसला। मेहमान दो घड़ी का है ये जिंदगी का सिलसिला। मंदिर तमाम घूमता है अब मेरी निगाह में। कितनों की जा चली गई के आशिक ने सर झुका दिया। राहे वफा में जिंदगी बस उसने ही मिटा दिया। राहे वफा में वफा वफा में राहे वफा में आहा वफा में राहे वफा में जिंदगी बस उसने ही मिटा दिया। हमने जो अपने राज का पर्दा यहाँ उठा दिया। महफिल में मुझको देख कर तुमने जो मुस्कुरा दिया। हमने जो अपने राज से पर्दा यहाँ उठा दिया। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए बाबा, चंपालाल को नागर नहीं डसा है। कैसे विश्वास कर लूं? मेरे तावीज के रहते ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हाँ, उसने अपने छल से तावीज को हटा दिया होगा। लेकिन बाबा, अगर मेरा भी वही हशर हुआ तो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमारे बाबा की सिद्धि पर शक कर रहे हो? घबराओ नहीं, तावीज को अपने आप से कभी जुदा ना करना, वरना तुम्हारी जान तुमसे जुदा हो जाएगी। हेलो, कौन बोल रहा है? इतनी जल्दी भूल गए राणा? कौन हो तुम? तेरी मौत, जिसे तूने अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। मैं पिछले 21 साल से तुझे मिलने का इंतजार कर रही हूँ। नीच औरत, तू है कौन? मैं वही नागिन हूँ राणा, जिसका सुहाग तूने छीन लिया था। नागिन? हाँ, मगर याद रखना, आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। तू मुझे धमकी दे रही है? इंतजार कर राणा, मौत तेरे नजदीक पहुंच रही है। देखता हूं कि मौत तेरी आएगी मेरी। डैडी, डैडी, आपने खाना नहीं खाया? बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। अरे भाई, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, तू जा आराम कर। नहीं डैडी, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। डैडी, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, जब तक डॉक्टर नहीं आता आप ये दवा ले लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से, लीव मी अलोन। ये क्या कर रहे हैं डैडी आप? क्या
होगा? कुछ नहीं हुआ, पर अब होगा। जहरीली नागन, तू मेरी बेटी का रूप धारण करके मुझे मारने आई है। डैडी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डैडी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखिए सामने आईने में, ये आप ही की बेटी किरण है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं कुछ पागल सा होता जा रहा हूं। मुझे माफ कर दे बेटी। डैडी, मुझे माफ कर दे। राणा साहब, आप कहें तो मैं यहीं रुक जाऊं? नहीं नहीं, आप जाइए। डैडी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, आप आराम कीजिए। हाँ बेटे, तुम भी जाओ जाओ। हेलो, रिंगो हियर। हाँ रिंगो, तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, तुम फौरन मेरे घर चले आओ। ओके ओके, हम अभी आता है। जरूर मरेगा। नहीं! मेरा तू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब तक मेरे गले में तावीज है, मेरा तू कुछ तावीज तावीज। मैंने कहा था ना राणा, मैं अपने सुहाग का बदला जरूर लूंगी। नागन ने काट लिया। जल्दी करो, हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं, मुझे अघोरी बाबा के पास ले चलो। चलिए। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। बाबा बाबा बाबा, आंखें खोलो बाबा। बाबा बाबा, जल्दी आंखें खोलो बाबा। बाबा, मेरे डैडी को जहरीली नागन ने डस लिया है। बाबा बाबा, आंखें खोलो बाबा। बाबा बाबा, जल्दी कीजिए, वरना नागिन का सारा जहर इनके जिस्म में फैल जाएगा। जय नागेश्वर, सब ठीक हो जाएगा। जय नागेश्वर, जय नागेश्वर।
जय नागेश्वर। अब चिंता की कोई बात नहीं, राणा बच गया। अब वो नागन मुझसे बचकर नहीं जा सकती, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। प्रतिशोध की ज्वाला में तुम्हारे कदम डगमगा सकते हैं, उसका अंतिम समय निकट आ गया है, हमारे नाग उसे नहीं छोड़ेंगे। जय नागेश्वर, जाओ और अपना काम पूरा करो। जाओ, उस सांप के पहुंचने से पहले हमको वो मनी हासिल कर लेना। लॉगिन, आज हम तुमको नहीं छोड़ेगा, आज हम मनी लेकर जाएगा। मनी, तुझे तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है, आज मैं अपने कुबेर का बदला तुझसे लेकर रहूंगी। हम पूछता है किधर है वो मनी, बोलो किधर है, बोलो किधर। हम पूछता है किधर है वो मनी, बोलो नहीं तो हम तुमको भी खत्म कर डालेगा, बोलो। हम पूछता है किधर है वो मनी, बोलो बोलो नहीं तो हम तुमको भी खत्म कर डालेगा, बोलो। Yeah।
जय नागेश्वर। क्या बात है राणा, बहुत घबराए हुए नजर आ रहे हो। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाने की उम्मीद में अब तक मेरे 5 साथी मारे गए और अब नागिन की बारी है। नागिन के छल के सामने आपका बल भी काम नहीं आया। नहीं राणा, तुम हमारी शक्ति को नहीं पहचानते। हमें तो सिर्फ उसके घर से बाहर निकलने का इंतजार है। मैं समझा नहीं। जब तक वो अपने पति और ससुर के सामने रहेगी, नागिन नहीं बनेगी। उसके बिना नागिन बने हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। लेकिन उसे घर से बाहर निकालेगा कौन? वो सब इंतजाम हमने कर रखे हैं। किससे मिलना है? सूरज बाबू से। क्या काम है? उन्हें फोटोग्राफ देने हैं। तामु कौन है? जी नमस्ते। नमस्ते। मैं एक फोटोग्राफर हूँ और सूरज बाबू को उनके फोटो देने हैं। बस ये क्या है? जी मैंने तो सूरज साहब और मेम साहब के फोटो खींचे थे। ये नागिन कहां से आ गई मुझे नहीं पता। रामो आया साहब, इन्हें इनके पैसे दे दो। जी हाँ। आपकी बहू नागिन है। 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 दूध पी लीजिए। बात है पिताजी? कुछ नहीं बेटी, अभी दूध पीने की इच्छा नहीं हो रही। जब जरूरत होगी तो मंगा लूंगा। तू जा। चांदनी, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ऐसी थोड़ा चक्कर सा आ गया था। चलो डॉक्टर के पास चले। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उफ हो, फिर वही जिद। आखिर डॉक्टर से चेकअप कराने में बुराई क्या है? तुम तो खामखा परेशान हो रहे हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें चार दीवारी में रहने की आदत नहीं है ना? आओ कहीं बाहर घुमाए। आओ डैडी, हम लोग जरा मंदिर होकर आते हैं। ठीक है बेटे, जाओ। अब तुम्हें हमारी बात का यकीन हुआ? आज तुम हमें अपने घर ले जाने आए हो। अगर तुम्हारे बेटे को हमारी बात पर विश्वास नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? उसे माफ कर दीजिए बाबा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो लड़की नागिन है
इस हकीकत को मेरा बेटा अपनी आंखों से देख ले, और ये काम सिवाय आपके और कोई नहीं कर सकता। मुझे निराश मत कीजिएगा बाबा। ये अघोरी बाबा का दरबार है, यहाँ किसी की पुकार बेकार नहीं जाती। यही उम्मीद लेकर तो आया हूँ बाबा, आप मेरे घर को इस नागिन के कहर से बचा लीजिए। ठीक है, अगर तुमने हम पर विश्वास किया है तो हम तुम्हारी आस को आखिरी सांस तक कायम रखेंगे। कैसेट को तोड़ देने से तुम्हारी हकीकत पर पर्दा नहीं पड़ सकता। कैसा पर्दा पिताजी? यही कि तुम नागिन हो। ये झूठ है। सच्चाई जानना चाहती हो? ठहरो, देखो। देख लिया ना अपना असली रूप? कह दो ये भी झूठ है। बरसों से हमें जिसकी तलाश थी वो आस आज पूरी होगी। मुझे पाने की आस, कहीं तेरी जिंदगी की आखिरी सांस ना बन जाए। हमारी सांसों की फिक्र छोड़ो नागिन, अगर हो सके तो अपनी जिंदगी की फिक्र कर। मैं कच्ची मिट्टी की दीवार नहीं हूँ, जहर से भरा वो समंदर हूँ जिसमें तेरी ताकत तिनके की तरह बह जाएगी। देखते हैं आज जीत हमारी तपस्या की होती है या तेरे जोश जहर की। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी पत्नी पर भूत प्रेत का साया है, इसलिए उसकी तबीयत बार बार खराब हो जाती है, हम उसे ठीक करने आए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चांदनी पर कोई भूत प्रेत का साया नहीं है। निकल जाइए आप यहां से, समझे आप? निकल जाइए। चांदनी, 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 क्या बात है चांदनी, क्या बात है? ये चांदनी नहीं, नागिन है, नागिन। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं, आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें इसकी हकीकत। चल चल, मैं कहता हूं खड़ी हो जाए यहां। देखो इस खूबसूरती के पीछे कितनी भयानक तस्वीर छुपी हुई है। ये नागिन मेरे पूरे खानदान को डस लेना चाहती है। नहीं पिताजी। चुप हो जा, तूने मेरे खानदान को बर्बाद करने के लिए ये ढोंग रचाया है। निकल जा, चल चल, निकल जा यहां से। चल मैं कहता हूं। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, मैं कहां जाऊंगी पिताजी, मैं कहां जाऊंगी? ये घर मेरा मंदिर है पिताजी। अरे ये घर कोई मंदिर मंदिर नहीं है, मैं तुझे इस घर में एक पल नहीं रहने दूंगा। नागिन कहीं की, चल चल निकल जा, चल मैं कहता हूं पिताजी। अरे तेरे प्यार में तो जहर घुला हुआ है नागिन, जहर। तू तो दस लेगी मेरे बेटे को। खबरदार जो इस घर की तरफ आग उठा कर भी देखा तो। चल पिताजी, दरवाजा खोलिए। Thank you.
राणा साहब, राणा साहब, एक खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? जी हाँ, उस जहरीली नागिन को राय ने घर से बाहर निकाल दिया है। तुम्हें कैसे पता? मैं अघोरी बाबा से मिलकर आ रहा हूँ, वो उसे शिव मंदिर ढूंढने गए हैं। शिव मंदिर, अब आएगा मजा। यही मौका है अपने दुश्मन से बदला लेने का। आज मैं उसे हमेशा के लिए मौत की गोद में सुला दूंगी। मेरी जिंदगी में अब रखा ही क्या है जो मैं मौत से डरूं। वाह, मेरे प्यार को छीनकर कितनी भोली बन रही है। मैंने तुम्हारा प्यार नहीं छीना, तुम्हारे डैडी और उनके दोस्तों ने मिलकर मेरा सुहाग छीन लिया। उन्होंने मेरे कुबेर को जान से मार डाला। कुबेर? हाँ, जिसे तुम सूरज समझती हो वो मेरा कुबेर है, मेरे पिछले जन्म का पति। तुम झूठ बोलती हो। नहीं किरण, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, झूठ बोलूंगी तो भस्म हो जाऊंगी। मेरी बात पर विश्वास करो किरण, 1000 साल की तपस्या के बाद हम लोग इच्छाधारी बने, लेकिन मनी हासिल करने के लिए कुछ जालिम लोगों ने मेरे कुबेर को मुझसे छीन लिया। कुबेर तो पूर्ण जन्म लेके इंसान के रूप में सूरज बन गया, लेकिन मैं नागिन की नागिन रही, इसलिए उसने मेरे जन्म जन्म के प्यार को ठुकरा दिया। अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। तुम मुझे मारने आई थी ना, मार दो मुझे। जब सूरज ने मुझसे मुंह फेर लिया तो मैं जीकर क्या करूंगी। इससे पहले क्या गोरी मुझे मारे, मुझे मौत दे दो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। तुझे इतनी जल्दी कौन मरने देगा नागिन, कौन मरने देगा तुझे? बाबा, तुझे जा। रुक जा, छोड़ दो उसे। नागिन, छोड़ दो उसे। कैसे छोड़ दो? इसे हश में करने के लिए तो मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, और तू कहती है इसे छोड़ दो? हरगिज नहीं। बच्चे कहाँ जाएगा नागिन? मणि हासिल किए बगैर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आ देना वश में। सूरज, 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 वो अघोरी बाबा चांदनी को पकड़ कर ले जा रहे हैं। चांदनी मत कहो, नागिन कहो, नागिन। वो नागिन नहीं, तुम्हारी पत्नी है। तुम नहीं जानती किरण, उसने मुझसे धोखा किया है, मुझे अपने प्यार में फंसाकर मेरे विश्वास को तोड़ा है। विश्वास तो तुमने तोड़ा है उसका, सिर्फ इसलिए कि वो एक इच्छाधारी नागिन है। क्या नागिन किसी से प्यार नहीं कर सकती? नागिन सिर्फ जहर उगल सकती है, जान ले सकती है। अगर जान ही लेनी होती तो आज तुम जिंदा नहीं होते किरण। हाँ, उसने हमेशा तुम्हारी जिंदगी के लिए दुआएं मांगी, तुम्हारा प्यार पाने के लिए बरसों तक इंतजार किया, तुम्हारी याद में रोती रही, तड़प रही, आंसू बहाए, और तुमने उसे बेदर्द इंसान की तरह घर से बाहर निकाल दिया। किरण, तुम कितने बेरहम हो सूरज, तुमने अपने पिछले जन्म के प्यार को भी ठोकर मार दी। पिछला जन्म? हाँ, जब तुम नाग थे और वो नागिन। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि वो नागिन जरूर है, लेकिन उसके जहर में प्यार का अमृत है, उसका प्यार गंगा की तरह पवित्र है। तुम दोनों का साथ जन्म जन्म का है। कुछ याद करो सूरज, याद करने की कोशिश करो, याद करो। मुझे Thank you.
आज मैं मणि हासिल करके रहूंगा। नागिन, आज तुझे नागिन बनना ही पड़ेगा। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन नागिन नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी। बनना पड़ेगा नागिन, बनना पड़ेगा आज तुझे नागिन बनना पड़ेगा। तेरी जान को तेरे शरीर से तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे मणि नहीं दे देती। मणि पाकर ये दुष्ट संसार का स्वर्णाश कर देगा, मैं इसे मणि नहीं दूंगी। संसार का कोई भी विष मेरी सिद्धि के सामने टिक नहीं सकता। बांधो इस हरामजादे को, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नागिन। तुझे मणि देनी होगी नागिन, मणि देनी होगी। हाँ, मणि तो तुझे हर हाल में देनी पड़ेगी, वरना हम तुझे दोबारा विधवा बना देंगे। वाह वाह राणा वाह, तुम्हारी ये चाल तो हमारी हारी हुई बाजी को जीत में बदल देगी। बोल नागिन, तुझे मणि ज्यादा प्यारी है या तेरा सुहाग? मैं तुझ जैसे शैतान को मणि नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। बाबा, नहीं नहीं, मेरे सुहाग को छोड़ दो, मत मारो इसे। एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूं, वो मणि हमारे हवाले कर दो। हरगिज नहीं चांदनी, मारने दो इसे, देखता हूं किसकी बाजुओं में कितनी ताकत है। Oh,
मार लिया अपने भगवान को, वो भी अब तुझे हमारे शिकंजे से नहीं बचा सकता। तेरा छुटकारा अब तभी संभव है नागिन, जब तुम मणि हमें दे देगी। नहीं चांदनी, हरगिज नहीं। परसों की तपस्या का फल इन नीच लोगों को मत देना, चाहे मेरी जान क्यों चली जाए। नहीं सूरज, ये मनी तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं, मैं अभी तुम्हें मनी देती हूँ। ये ले वो मनी जिसकी तलाश में तू साधु बनकर दुनिया वालों के साथ फरेब करता है। हाँ, यही वो मणि है, यही वो मणि है जिसमें मेरी जान है। अब मैं अमर हो जाऊंगा, अब मैं अमर हो जाऊंगा। जिंदगी और मौत मेरी मुट्ठी में कैद है। अब मैं दुनिया, मैं बादशाहों की तरह हुक्म दूंगा और दुनिया मेरे हुक्म को मानेगी। इस बादशाहत में हमारा भी हक है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, लेकिन हमारा राज तब तक नहीं चल सकता जब तक हमारा दुश्मन जिंदा है। खबरदार, जो किसी ने हिलने की कोशिश की, मैं एक एक को गोली मार दूंगा। तुम मणि नहीं ले जा सकते। इस मणि को हासिल करने के लिए मेरे 5 साथियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। खबरदार राणा, जो आगे भाई, वरना तुम्हारे साथियों की तरह तुम्हारी बलि भी मैं इस मणि को चढ़ा दूंगा। मेरा हक है, मेरा हक है राणा इस मणि पर। शंकर, इस मणि ने मेरी मोहब्बत को मौत के मुंह में ढकेल दिया था, इसलिए मुझे ये मणि नहीं चाहिए। भोले शंकर, मैं सिर्फ इंसान बनकर जीना चाहती हूँ और सुहागन बनकर मरना चाहती हूँ, इसलिए मणि तुझे लौटा रही हूँ। सूरज, सूरज, किरण, किरण, ये क्या किया तुमने किरण? सूरज तो चांदनी के आंचल में छुपा रहता है ना। किरण, तुम हार कर भी जीत गई। हार और जीत तो कुदरत के करिश्मे में चांदनी। सूरज, किरण, तुम
तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें मिल गया चांदनी। सूरज तुम्हारी तपस्या का फल है। तुम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। हर जन्म में तुम दोनों एक दूसरे के रहोगे। किरण, 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 किरण